हाय आदाब, नमस्कार सम्मान्य साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं BLO ऐप को कैसे लॉगिन करें और कैसे डाउनलोड करें और BLO ऐप को किस तरह से यूज करना है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो सबसे पहले इसके लिए अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे, टाइप करेंगे BLO ऐप और उसे ओके कर देंगे। इसके पश्चात इसे आप इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के पश्चात इसे आप, ये ज़्यादा बड़ी ऐप नहीं है, 13 MB की है, और इसको आप फिर ओपन कर देंगे। ये अब ओपन हो रहा है और ये गरुणा ऐप के स्थान पर BLO ऐप आया है, तो इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पर वाइल यूजिंग द ऐप को आप क्लिक कर देंगे, दो बार करेंगे क्लिक। इसके पश्चात इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखा है, यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर अंकित करना है जो आपका रजिस्टर्ड है। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड वाला अंकित कर चुका हूँ और यहाँ पर पासवर्ड आपको फिलअप मिलेगा और यदि आपको फिलअप नहीं मिलता है तो इसके अंतर्गत आप भरेंगे कैपिटल ई स्मॉल सी स्मॉल आई एट द रेट 1234 और यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP को ओके करूँगा। यहाँ सेंड हो चुका है और अब OTP आने वाला है। OTP आ चुका है, मैं इसकी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ इसकी कॉपी कर चुका हूँ, वेरीफाई OTP को ओके करूँगा। यहाँ पार्ट नंबर है तो यहाँ पर जो भी आपका पार्ट नंबर है, भाग संख्या है, उसको आप यहाँ लिखेंगे और यह यहाँ एरो को क्रॉस क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्वतः ही आपका पार्ट नंबर सामने आ जाएगा। इसको आप इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर सबमिट को ओके करेंगे। यहाँ पर मैन्युअली है और यहाँ पर मैन्युअली को यहाँ ओके कर देंगे। यहाँ आप नीचे देखेंगे सेलेक्ट लैंग्वेज, तो यहाँ आपको हिंदी उर्दू जो भी आपकी इच्छा है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और सबमिट को ओके कर देंगे। यहाँ आपका जिस प्रकार से गरुण ऐप अपडेट होता था उसी प्रकार से यहाँ पर ये कॉलम आ जाते हैं। यहाँ पर हम सबमिट को क्लिक करेंगे। अब इसके पश्चात इस प्रकार का इंटरफेस सामने आता है। तो यहाँ पर आपके पास आपके पार्ट में, आपके भाग संख्या में कितने मतदाता हैं यहाँ वो लिखे मिलेंगे, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं और कितने जेंडर हैं, थर्ड जेंडर हैं, वो यहाँ पर आपको सामने दिखाई देंगे। यहाँ आप स्टेटिस्टिक्स ऑफ रिसीव्ड फॉर्म, तो जो आप जितने भी आप फॉर्म भरेंगे यहाँ पर वो आपको स्टेटिस्टिक्स के रूप में दिखाई देंगे। यदि आपने फॉर्म 6 भरा है तो आपको फॉर्म 6 येलो कलर में मिलेंगे और यदि आपने फॉर्म 6A जितने भी भरे हैं उसी रेशियो में यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और यदि आपने फॉर्म 7 भरा है तो आपको यहाँ फॉर्म 7
उसी कलर में दिखाई देंगे। और यदि आपने फॉर्म 8 भरा है तो यहाँ पर आपको फॉर्म 8 ब्लू में दिखाई देंगे। तो यहाँ मैंने एक फॉर्म जून में फिलअप किया था, तो इसलिए यहाँ पर ये इसी की फिगर दिख रहा है, फॉर्म 8 का कलर दिखाई दे रहा है। तो यदि आप सभी फॉर्मों को यहाँ पर भर देंगे तो यहाँ पर सभी का कलर चमकेगा और सभी का पिलर के रूप में दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा से आप ऊपर स्क्रीन करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे फैसिलिटीज़ चेकलिस्ट फॉर्म H2H सर्वे। तो फैसिलिटीज़ में आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो जो आपने अपने स्कूल जहाँ भी आपको आपका पार्ट संख्या है, भाग संख्या है, जहाँ भी आप कर रहे हैं कार्य है, तो वहाँ आपने अपलोड किए थे फ़ोटो, वहाँ की सिचुएशन दिखाई देगी। चेकलिस्ट को आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आप फॉर्म जितने भी आप फिलअप करेंगे उनका यहाँ पर पूरा ब्यौरा होगा, चाहे फॉर्म 6 से फॉर्म 8 तक जितने फॉर्म मिलेंगे वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। और यदि आपने वेरीफाइड कर चुके हैं आप उनको, तो आपको यहाँ पर वेरीफाइड के अंतर्गत प्राप्त होंगे। इसी तरह से इसे आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ फॉर्म दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इसको आप क्लिक करेंगे। इस यहाँ से आप जितने भी फॉर्म हैं, फॉर्म 6, 6A, 6B, फॉर्म 7, फॉर्म 8, जितने फॉर्म हैं यहाँ से आप उसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसको भर सकते हैं। इसी तरह से ये यदि आप अपने किसी भी जो अपने फॉर्म भर चुके हैं उसका स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ से ट्रैक एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे और यहाँ रेफरेंस नंबर भरेंगे और यहाँ ट्रैक टेस्ट स्टेटस को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूरा आपका पूरा विवरण मिल जाएगा, उसकी स्थिति क्या है। अब बात कर लेते हैं H2H होम टू होम सर्वे। तो ये आपको होम टू होम सर्वे करना होगा, इसमें आपको जितने भी आपके पार्ट में हैं, भाग संख्या में हैं, जितने भी घर, ये यहाँ पर आपको पूरे यहाँ पर मिलेंगे। मेरे में है 164, तो यहाँ आपको ये 164 प्रदर्शित हों दिखाई होंगे, दिखाई देंगे। और जिस तरह से आप इनको वेरीफाइड करते चले जाएंगे, ये आपको घर घर जाना होगा मतदाता के और वहाँ जाकर के इनको वेरीफाई करना होगा। जिस तरह से आप वेरीफाई कर चुके होंगे तो आप वेरीफाइड मतदाता यहाँ पर आपको प्रदर्शित होंगे और उनकी संख्या भी यहाँ पर दिखाई देगी। तो इन पर सब पर हम अलग अलग वीडियो आपको बना देंगे। और ये BLO रजिस्टर है, इस BLO रजिस्टर को भी हम स्टेटमेंट 1, 5, 6 जितने भी हैं हम इस पर वीडियो अलग से बना देंगे। तो कुछ समस्या ये आ रही है कि लॉगिन किस प्रकार से परेशानी प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।